राजा बने आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अंतागढ़ में हुआ शानदार स्वागत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी की अनुशंसा से अंतागढ़ के परवेज खान उर्फ राजा को आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगर आगमन पर परवेज खान का पार्टी कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने जोशीला स्वागत किया। ग्राम पोड़गांव से पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और अंतागढ़ तक काफिला बनाकर पहुंचे इस रैली में आए हुए थे। बता दें, परवेज खान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखते हैं। निश्चित ही परवेज खान को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज के स्वागत समारोह में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ तेजेंद्र तोड़ेकर, यूथ विंग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी घनश्याम चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष संतराम सलाम उपस्थित थे। कमल जी, आप ये बताइए, आप प्रदेश स्तर का देख रहे हैं, तो प्रदेश में क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें आने वाली विधानसभा में आप गेन कर पाएंगे? देखिए, पूरे 90 विधानसभा में मैंने दौरा किया है, अभी लोगों से मिला, बात किया। एक बात तो तय है कि आज तक बी और सी की लड़ाई चल रही थी, बीजेपी और कांग्रेस एक ही तरफ अब तक झुकाव नहीं रहा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों से लोग त्रस्त हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, दिल्ली में बेहतर काम करके हम दिए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी आज चाह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सरकार होनी चाहिए। दिल्ली मॉडल को छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में लाना चाहते हैं और इसीलिए उत्साह ज़बरदस्त है, पूरे प्रदेश में उत्साह ज़बरदस्त है। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 90 सीटों में मजबूती से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में आगामी समय में सरकार जरूर बनाएंगे। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि अभी भाजपा विपक्ष में है, किंतु विपक्ष की भूमिका में वो नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय बैठी हुई है, और लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये बात सही है कि दोनों ही पार्टियाँ एक सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे नान घोटाला 32,000 करोड़ रुपए का होता है, भूपेश बघेल जी रमन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। भूपेश बघेल जी और रमन सिंह जी बाहर में कुछ और बोलते हैं, लेकिन अंदर से इनकी सेटिंग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरे देश भर में हम देखें, सभी राज्यों में आज जनता को विश्वास नहीं होता कि आज कांग्रेस में विधायक बना के हम भेज रहे हैं, कब भारतीय जनता पार्टी में चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। सिलगेर मामले के संबंध में आपको क्या कहना है? छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। सिलगेर में वही कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसकी पुलिस की गोली से 3 आदिवासियों की मौत हो जाती है, सरकार उनको 10,000 रुपये मुआवजा देती है। आदिवासी परिवार के लोग 10,000 रुपये मुआवजा नहीं लिए, बल्कि जो वास्तविक मुआवजा उनको देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, आज तक नहीं दी है। वही सरकार जो खीरी में जाके 50-50 लाख रुपये दे रही है, आदिवासियों की कीमत नहीं आँक पा रही है। मैं प्रदेश की सरकार से कहना चाहूँगा कि प्रदेश के ना सिर्फ आदिवासी बल्कि हर वर्ग के लोग आज त्रस्त हैं, ग्रसित हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बदल कर एक नया विकल्प चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उसके लिए बखूबी तैयार है। परवेज भाई, आपको जिलाध्यक्ष बनने की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में आप अपनी पार्टी को बहुत से ज़्यादा टिकट दिला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी साथी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय कोमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में प्रदेश की सारी टीम जिन्होंने मुझ पर जवाबदारी दी है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मजबूत बनाने के लिए जो आपने सवाल पूछा है, तो हम हर बूथ स्तर तक एक टीम बना रहे हैं। बूथ के अलावा भी हम जितने भी गांव, बूथ के अंदर में जितने गांव हैं, हम वहां तक एक एक टीम बना रहे हैं, बूथ की टीम प्लस गांव की टीम, और वो टीम आगे चल के हमारे विधानसभा के लिए एक मजबूती के साथ में काम करेगी। हम आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना चाहते हैं। लोग भाजपा और कांग्रेस से परेशान हो गए हैं, लोग एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, और आम आदमी पार्टी अब इन भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक लोगों के सामने एक अच्छा विकल्प बनने के लिए तैयार है। अंतागढ़ कांकेर से पंकज कुमार पोया, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।